हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन जहां पर वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है कॉल्ड इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमारे देश के बारे में, हमारे भारत के बारे में है, इसे गर्व से पढ़ेंगे, है ना। बहुत पढ़ लिया भाई हमने, फ्रांस में क्या हुआ था और यूरोप में क्या हुआ था, हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में थोड़े अपने देश के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन इसके कुछ पार्ट्स थोड़े कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि इट विल टेक यू बैक टू क्लास 6 ज्योग्राफी, जो आप में से आधे बच्चे भूल गए होंगे, है ना। तो हम उस पार्ट को थोड़ा रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आए। क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, हम पूरा चैप्टर आज के वीडियो में ही खत्म करने वाले हैं। सो यू नो मी, आई एम योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज जरी यूनिवर्सिटी, माय मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम हियर टीचिंग एट वेदांतु। एंड बस इतना ही मेरे बारे में काफी है। डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। थम्स अप का ऑप्शन नीचे ही है गाइस, 2 सेकंड लगते हैं, थम्स अप जरूर देना। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज वी ब्रिंग यू अमेजिंग, ऑसम, फैंटास्टिक, मोटिवेटिंग, फनी वीडियोज हियर ऑन द वेदांतु 9th and 10th चैनल। मैं वी मेक श्योर कि आपका ये जो जर्नी ऑफ क्लास 9 and 10, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, सिर्फ पढ़ाई में आपको नहीं डुबोता है, बट आपको और भी चीजें, एक ऑल राउंड आपका डेवलपमेंट हम इस चैनल पे करने का पूरा प्रयास करते हैं। नाउ गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लगती है या अगर आप रिवाइज कर रहे हो या फिर अगर आपको बस एक गो थ्रू करना है, यू कैन वॉच दिस वीडियो at 1.25x या 1.5x स्पीड, है ना। यू कैन ऑलवेज डू दैट। मुझे अपनी आवाज़ फ्रेंकली इतने स्पीड में बहुत अच्छी लगती है, आई हैव नो क्लू वाई, राइट। सो लेट्स बिगिन विदाउट मच डिले। विजिट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, चैलेंज एक्सेप्टेड। आई होप आप लोग ये चैलेंज लो लाइफ में, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट इज ग्लोब घुमाना एंड आई एम लाइक, मैं पूरा दुनिया घूम रही हूँ, बट आई होप मेरा भी ये सपना पूरा हो दैट आई ट्रैवल एटलीस्ट 10 कंट्रीज। क्या ही सपना, बट यू गाइस शुड ऑल्सो हैव दिस ड्रीम। पर अभी हम किताबों में दुनिया घूमेंगे एंड पहले अपने देश से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। तो गाइस, इंडिया लाइक हिस्टोरिकली, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि भारत जो देश है वो हिस्टोरिकली कितना सेंट्रल था। वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस, ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ऑफ क्लॉथ, है ना। इवन समथिंग लाइक जीरो, अरिथमेटिक, मेडिसिन बहुत पहले इंडिया में ही शुरू हो गया था, है ना। एज अ कंट्री वी आर, मतलब जब हम हमें डेमोक्रेसी भी मिली, बहुत टाइम तक लोगों को लगा कि इंडिया एकजुट होकर नहीं रह सकता है क्योंकि हमारे देश में इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन सेलिब्रेट करते हैं, बट वी वर एबल टू कम टुगेदर, है ना। मतलब वी हैव नॉट ओनली मतलब स्टेट यूनाइटेड, हम यूनाइटेड एकजुट नहीं भी रहे हैं और हम डाइवर्सिटी में खुश भी हैं, है ना। तो दैट इज आर ब्यूटिफुल इंडिया। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका साइज क्या है। ऑल्दो साइज के बारे में किसी लड़की से मत पूछना, पर हम देश के बारे में जानेंगे। वी गोना लुक एट इंडिया इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबर्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। शुरू होने से पहले कुछ बेसिक समझते हैं। ये हमारी दुनिया है, दुनिया को समझने के लिए हमने दुनिया के अर्थ पे लाइन बना दी है। इमेजिनरी है, ऐसा नहीं है कि सच में ये लाइन्स एग्जिस्ट करती है। ये जो लाइन है, सबसे बीच में जो हमने अर्थ को काटा है, यू नो, डिवाइडिंग आवर प्लैनेट इनटू 2 हेमिस्फियर्स। हेमिस्फियर मतलब स्फीयर होता है पूरा स्फीयर, हेमिस्फीयर होता है आधा स्फीयर। तो पूरा अर्थ 2 आधे हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ये होता है 0 डिग्री, इस लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। पता है, यू नो दैट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। अब जो लाइन्स इक्वेटर के पैरेलल होती है ना, ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर, इट इज कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, लेटे हुए है ना, ये लाइन लेटे हुए इक्वेटर के पैरेलल, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। एज ये लैटिट्यूड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, इनका साइज जो है छोटा होता रहता है, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ फिर अच्छा, लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, ये हम समझेंगे। चलो अभी से थोड़ा बता देती हूँ। तो जैसे हमारा ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, एक्चुअली सन यहाँ बना देते हैं, दिस इज आवर सन, ठीक है, बड़ा सा सन। तो सन की रेज जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद नहीं है तो कुछ नहीं, बस समझ लो यहाँ पर सन की रेज जो है डायरेक्टली लगती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, बट एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स, सूरज की किरणें जो है उनको काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ना। पोल की तरफ धूप जब जाती है तो उसमें कुछ डिसिपेट हो जाते हैं, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, तो जब तक वो पोल तक पहुंचता है काफी कम सनलाइट बचती है। तो यहाँ पर ज्यादा ठंड होती है। तो इक्वेटर के पास इट इज मोर हॉट, देयर इज मोर सन थ्रू आउट द ईयर, बट अगर हम पोल्स की बात करें तो धूप इतनी आसानी से वहां तक पहुंचती नहीं है, धूप कम पहुंचती है। एंड यू नो, और ऑल्सो वन मोर थिंग, अर्थ जो है टिल्टेड है। अर्थ जो है ये जो है इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस के चारों तरफ जो है अर्थ रोटेट करता है, घूमता है, तो अर्थ टिल्टेड है। तो एक साइड ऑफ द पोल को ज्यादा धूप मिलती है एक पॉइंट पे और दूसरे साइड ऑफ द पोल को कम धूप मिलती है। इतना बेसिक समझ लो। अच्छा, एक और चीज समझो, जो रोटेशन होता है, रोटेशन मतलब व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, है ना, when the earth moves around its own axis, this determines day and light। मतलब अगर ये हमारा सन है तो यहाँ पर अभी धूप आ रही है तो अर्थ के दूसरी तरफ जो है रात हो रही है। तो इंडिया में अगर सवेरा है तो अमेरिका जो धरती के दूसरी तरफ है वहां पर रात है। वैसे ही जब अर्थ रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट तो हम लोग बोलते हैं, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट, तो हम बोलते हैं कि धूप जो है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर, वो डे और नाइट होता है। ठीक है, इतना आपको शायद कुछ याद हो। चलो अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। तो लैटिट्यूड, वैसे हमने दुनिया को डिवाइड कर रखा है इनटू लाइंस दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ये बीच की जो लाइन है जो अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, दैट डिवाइड्स आवर प्लैनेट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब याद रखना, प्राइम मेरिडियन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ बेसिक समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। टाइम कैलकुलेशन कैसे? तो जैसे आपका सन है ना, सबसे पहले वो यहाँ पड़ा, ठीक है, थोड़ा इस साइड, जहाँ पर आपका इंडोनेशिया, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स पे पड़ता है। फिर आपका अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ जो सूरज, मतलब प्लैनेट ऐसे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो सूरज सबसे पहले इंडिया पे आएगा। फिर उसके बाद जब प्लैनेट मूव करेगा, सूरज तो मूव कर नहीं रहा, प्लैनेट मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, हम ही घूमते रहते हैं सूरज के चारों तरफ। तो जब धरती जो है ऐसे मूव करती है तब जो है धूप ऐसे इस साइड वेस्ट की तरफ आती है। तो सबसे पहले सुबह इंडिया में होगा, फिर ब्रिटेन में होगा, फिर यूएसए में होगा। ठीक है, इस तरीके से यू नो द अर्थ मूव्स। 1 डिग्री मूवमेंट, 1 डिग्री मूवमेंट में ऐसे 4 मिनट, तो 1 डिग्री 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट होता है। इतना डिटेल में मत जाओ, बट समझ जाओ कि इट इज द मूवमेंट दैट डिटरमिन्स टाइम। दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो समझ के हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं चैप्टर पे। इंडिया की बात करें तो इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाला जो लैंडमास है वहाँ पर अर्थ जो है वो लाई करती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट पासिस थ्रू आवर कंट्री, डिवाइडिंग आवर कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। तो ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर की तरह कि 8 स्टेट से वो पास करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब अगर हम अपनी देश के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आता है कि किस डिग्री के बीच में हमारा अर्थ जो है वो लोकेटेड है। तो आप यहाँ देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट्स, 4 मिनट्स मतलब 8 डिग्री 4, ये जो होता है ना 1 मिनट्स, फिर सेकेंड्स भी होता है, बट आप इतना ही समझो, इसको लर्न कर लो, अभी ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के बीच में हमारा ये वाला पार्ट ऑफ द अर्थ है, सॉरी इंडिया है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज द एक्सटेंट ऑफ आर कंट्री। अब लैंड मास की अगर हम बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो आप देखोगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट हमारा किलोमीटर है 2933 किलोमीटर्स। वैसे नॉर्थ से साउथ की बात करें तो इट इज 3124 किलोमीटर्स। ठीक है, क्लियर, सिंपल है ये, मतलब थोड़ा रटने का है ना। इट मेजर्स, हाँ ये इतना है, एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर है उसको 3.28 मिलियन से मल्टीप्लाई करो, उतना हमारा कंट्री है। दैट इज द अमाउंट ऑफ एरिया दैट वी हैव, राइट। अच्छा, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ग्राफ दे रखा है आपके बुक में, RCUCBAI, रकुक बाई, आर ने कुक किया और वो बाई थी, है ना। तो रशिया हैज द बिगेस्ट लैंड मास, फिर चाइना आता है, यूएसए आता है, सॉरी कनाडा आता है, यूएसए आता है, चाइना आता है, ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, एंड देन यू हैव इंडिया। दैट मच इज द लैंड मास दैट वी हैव, राइट। सॉरी, ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है? कोस्ट के पास ये वाला जो प्लेन एरिया आता है ना, जहाँ रिवर अपना डेल्टा वेल्टा बनाती है, जो पतला सा एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। तो अगर हम यहाँ नॉर्थ साउथ, अच्छा डायरेक्शन में कंफ्यूज हो तो ये बना दो, जैसे मैं होती हूँ, आई समटाइम्स गेट कंफ्यूज विद डायरेक्शंस। तो वेस्टर्न कोस्ट में आप देखोगे तो कच्छ और काठियावाड़ आपका कोस्टल प्लेन है, फिर आपका कोंकण कोस्ट है, फिर मालाबार कोस्ट है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ देखोगे तो उत्कल कोस्ट है, नॉर्दर्न सिरका कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है। सो दीज आर द 3 कोस्ट इन द वेस्ट एंड द ईस्ट पार्ट ऑफ आर कंट्री, ठीक है। अब हम आते हैं इन ऑन आर आइलैंड्स। तो हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है, देन यू हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इट हैज़ 572 आइलैंड्स विच, मतलब अलग अलग साइजेस के, बट उनमें से 38 आइलैंड्स ही है जिसमें लोग रहते हैं, राइट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट ध्यान रखना, 1 मार्कर में आता है। जो ये है आपके अंडमान आइलैंड्स, ये है आपके निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ का क्या लिखा है कि दो नॉर्मली रेफर्ड एज अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दे आर सेपरेट आइलैंड्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डीप चैनल कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है? मतलब जो इक्वेटर है आपका, उसके 10 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, मतलब ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो बीच में आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्लियर। अब एक और 1 मार्कर आता है कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। आप कन्याकुमारी नहीं बोलोगे, आप कहोगे द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। बल्कि अब तो इंदिरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डूब गया था आफ्टर द सुनामी दैट टुक प्लेस, बट इट इज इंदिरा पॉइंट। क्लियर। चलो अब हम आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। तो गाइस ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, दिस इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी, इसका कैपिटल है कारावत्ती, ये याद रखना, ये 1 मार्कर अगेन आ सकता है। इट इज द आर्चीपेलेगो, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्चीपेलेगो बोलते हैं, ऑफ 36 आइलैंड्स, राइट। चलो नाउ गाइज इंडिया की बात करें तो हम बहुत बार बोलते हैं हमारा देश कितना प्यारा है ना। इट इज बाउंड बाय हिमालयाज, माउंटेन्स इन द नॉर्थ, और साउथ में आते आते जो है माउंटेन्स खत्म हो जाते हैं, टेपर ऑफ हो जाते हैं, और नीचे आ जाता है आपका कोस्टल प्लेन्स और आपका सी, बे ऑफ बंगाल एंड, भगवान आज सब कॉल कर रहे हैं मुझे, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, राइट। सो दैट इज आर प्लैनेट, ठीक है, सॉरी प्लैनेट को बोल रही हूँ, आर कंट्री, आई लव माई प्लैनेट ऑल्सो ना, प्लैनेट। चलो अब गाइज ये बात थोड़ा ध्यान से सुनो, बुक में कंफ्यूजिंग है, बुक में लाइन दे रखी है कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मिलेनियम लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप इसको देखो 68 डिग्री को 97 डिग्री को माइनस करो 78, 88, 98, मतलब ऑलमोस्ट 30 डिग्री है इन दोनों के बीच में। वैसे ही 37 और 8 डिग्री देखो तो इन दोनों के बीच में भी 30 डिग्री का ही डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है कि नॉर्थ साउथ इज मच लार्जर, यू नो, एज कंपेयर टू द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। मतलब दोनों में 30, दोनों जो है 30 डिग्री के रेंज में आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारा देश जो है वो नॉर्थ साउथ बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। एक रीज़न हो सकता है कि अगर आप डिस्टेंस मेजर करो तो बीच में फॉरेन कंट्रीज आ जाते हैं। एक हो सकता है ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्योंकि यहाँ जो लैटिट्यूड्स है ये सेम, मतलब सेम, यू नो, मतलब इसका डिस्टेंस जो है कम होता रहता है, तो इसीलिए ये कम दिखता है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम, उसके के होते हैं, सेम हाइट के होते हैं, है ना, बट जो लैटिट्यूड होते हैं एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स वो छोटे होने लगते हैं, तो हो सकता है इसीलिए ये छोटा दिखता है। बट वट एवर द रीजन, मतलब दैट इज वॉट योर बुक इज सेइंग कि इवन दो लैटिट्यूडनल, अगर इसका आप वो देखो डिग्री में देखो, अगर आप एक्सटेंट इंडिया का, तो 30 डिग्री डिफरेंस है, बट ईस्ट वेस्ट अपीयर स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब हम आते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द टाइम लैग। टाइम लैग को समझने के लिए वापस से उस कॉन्सेप्ट जो मैं समझा चुकी हूँ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आपको पता है ये धूप की वजह से डे और नाइट होती है हमारे रोटेशन के वजह से, है ना। अब जब ये रोटेशन होता है तो धूप जो है लेटा से यहाँ पर 12 बज रहे हैं, ओवरहेड है, फिर जब अर्थ रोटेट करती रहती है तो ईस्ट टू वेस्ट बोलते हैं ना, हम सन जा रहा है क्योंकि द अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट। तो धूप यहाँ है, मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ, पहले धूप यहाँ आएगी, फिर धूप मेरे सर पे आएगी, फिर धूप मेरे इस चीक पे आएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अर्थ मूव करता है, पर उस तरीके से टाइम भी डिटर्मिन होता है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर आप इंडिया की बात करो, हमारे ईस्ट और वेस्ट में ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है एंड 1 डिग्री जो है उसमें 4 मिनट हो जाता है, मतलब 1 डिग्री अर्थ को मूव करने में 4 मिनट्स लग जाते हैं। तो 30 डिग्री में तो काफ़ी सारा डिफरेंस हो जाएगा। 30 डिग्री विल बी 120 मिनट्स, दैट इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स, है ना, सॉरी 2 आवर्स। तो आप सोचो कि अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो 2 घंटे, मतलब अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ साउथ ईस्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश में पहले जो है धूप आती है और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सनराइज होता है। इतना समझ लो, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे अगर सनराइज हो रहा है तो गुजरात तक सनराइज होते होते 7 बज जाते हैं, है ना। बट इंडिया में, एक ही कंट्री में रह रहे क्या हम अलग अलग टाइम तो नहीं चुन सकते। कॉल कर रहे हो आप, यार बोर्ड रिजल्ट कब आ रहा है, दूसरे 5 बजे आ रहा है, आप 5 बजे से वेट कर रहे हो, आ रहा है 7 बजे, क्योंकि टाइम अलग अलग थे, है ना, एक थप्पड़ पड़ेगा एक दूसरे को, लोग अपना सर फोड़ लेंगे। इसीलिए हमने इंडिया में रखा है कॉल द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है, जो मिजोरम के थ्रू पास होती है। वहां पर जो टाइम होता है वो पूरा इंडिया फॉलो करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर इन द कंट्री। क्लियर, दिस इज योर स्टैंडर्ड मेरिडियन। यूपी, मध्य प्रदेश, ये वाला जो है ना, यहाँ पर इट गोज, ऑलराइट। चलो, अच्छा, अब यहाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और ट्रिक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट इन कश्मीर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जब आप कन्याकुमारी में रहते हो तो आपको लगता है कि यार 6 घंटे का दिन है, 12 घंटे का दिन है, 10 घंटे की रात है, मतलब समझ लो इतना डिफरेंस नहीं दिखता। बट वैसे ही अगर आप कश्मीर में जाते हो तो वहाँ समर में आपको दिन बहुत लंबे दिखते हैं और विंटर में दिन बहुत छोटे दिखते हैं, धूप का बहुत कम आती है। एंड वॉट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन आई हैव टोल्ड यू इज द प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, है ना। ये हमारी धरती है, धरती का हमारा ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा धूप आती है। जो एरिया जो है इक्वेटर के पास है वहाँ पर भी अच्छी धूप आती है। बट जैसे आप इक्वेटर से दूर होने लगते हो, अगर आप ऊपर कश्मीर की तरफ जाने लगते हो और ऊपर अफगानिस्तान और ऊपर जाने लगते हो तो धूप कम आती है ना। तो क्योंकि कन्याकुमारी जो है इक्वेटर के पास है, इसीलिए वहाँ पर दिन इक्वल, मतलब ऐसा नहीं है कि विंटर्स में कम धूप आती है, विंटर समर हो धूप अच्छी आती है ना, गर्मी है। बट अगर आप कश्मीर की तरफ जाओ जो थोड़ा ऊपर है, वहाँ पर समर में जब अर्थ टिल्टेड होता है सन की तरफ वहाँ अच्छी धूप आती है, पर विंटर में जब अर्थ टिल्टेड अवे होता है फ्रॉम द सन तो धूप कम आती है, तो दिन कम होता है। क्लियर, राइट, आई होप इट इज़ क्लियर गाइज। मतलब आप सोचो इक्वेटर के पास धूप है तो जो एरियाज इक्वेटर के पास है वहाँ पर चाहे समर हो या विंटर हो धूप अच्छी आती है, पर जो इक्वेटर के दूर है तो अगर वो टिल्टेड होता है धूप की तरफ समर में तो ज़्यादा दिन होता है, विंटर में टिल्टेड अवे होता है तो इक्वेटर से दूर है तो कम धूप आती है, तो कम छोटा दिन होता है। क्लियर, ऑल राइट, बस ये है आपका। तो सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड लो ऑन द पोल्स। ठीक है, चलो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया, नहीं तो रिपीट करके वीडियो देख लेना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। नाउ गाइस, इंडिया की लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक रही है, इसीलिए हिस्टोरिकली वी हैव ऑल्सो डन अमेजिंग, अनलेस जब ब्रिटिशर्स आए तब जरूर हमारी बुरी हालत हुई, नहीं तो वी वर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्री बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक लोकेशन। क्यों? एक तो हमारे ये हिमालयाज, है ना, यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है वो हिमालयाज हमें उन ठंडी हवाओं से बचाती है ना। फिर हमारे सी रूट, चाहे वो सिल्क रूट हो चाहे वो सी रूट हो, उसके थ्रू हमने बहुत सालों से जो है ट्रेड किया है। जितना बड़ा लैंडमास हमारे इंडियन ओशन, ये ओशन में मतलब हम लोगों ने ले रखा है, दैट इज वाई वी कॉल इट इंडियन ओशन, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी है। किसी और कंट्री की कोस्ट लाइन छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इंडिया हैज़ अ ह्यूज कोस्ट लाइन, दैट इज वाई दिस ओशन इज कॉल्ड द इंडियन ओशन, राइट। तो ईस्ट हो वेस्ट हो, वी आर एबल टू कनेक्ट विद द एंटायर वर्ल्ड वेरी ईजिली। नाउ बहुत टाइम से हम लोग यूरोप से कनेक्टेड थे थ्रू द सिल्क रूट, आपको पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। बट इट वॉज व्हेन मार्को पोलो, है ना, ही फाउंड द रूट टू इंडिया वाया केप टाउन, दैट इज व्हेन ब्रिटिशर्स वर एबल टू कम टू इंडिया एंड दे वर एबल टू लूट अस। पर इसने जो है काफ़ी डिस्टेंस कम कर दिया फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ठीक है। तो ये आपका सिल्क रूट आपको दिख रहा है, मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री हमारा इंटरेक्शन पूरी दुनिया में रहा है। अब क्या रहा है, स्पाइसेस रहा है, मसलिन रहा है, मर्चेंडाइज रहा है, नॉट जस्ट दैट, बुद्धिज्म इंडिया से पूरी दुनिया में फैला है, जैनिज्म फैला है, रामायण उपनिषद पंचतंत्र ये सब हम लोगों ने ही पूरी दुनिया में फैलाया है। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द वर्ल्ड, राइट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज नेबर्स। नाउ गाइस, हम हमेशा घर लेते हैं और घर में हम हर चीज़ देखते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, नेबर्स अच्छे हो। अनफॉर्चुनेटली जब हमारा कंट्री बन रहा था तो हम चूज़ नहीं कर सकते थे अपने नेबर्स, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव सच ग्रेट नेबर्स, राइट। चलो लेट्स लुक एट आवर ग्रेट नेबर्स। इसको हम याद कर सकते हैं बचपन में MBA, तो बचपन में MBA ये आपके प्रॉपर क्लोज नेबर्स हुए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपके नेबर्स हैं। नाउ अक्रॉस द सी कौन से नेबर्स है, श्रीलंका और यहाँ पर मॉलडीव्स। अक्रॉस द सी मतलब सी के उस तरफ ये हमारे नेबर्स हैं, ठीक है। बचपन में MBA, इस तरीके से याद रखो। चलो एक और कॉन्सेप्ट पॉइंट पे आते हैं इस चैप्टर के। तो अगर आप हमारे देश को देखो तो और श्रीलंका को देखो तो बोलते हैं दैट वी आर सेपरेटेड बाई टू थिंग्स, पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। पहले हम समझते हैं स्ट्रेट क्या होता है। जब दो बड़े बड़े लैंडमासेस होते हैं और उसको एक थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्ट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो जैसे आपका इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, तो यहाँ ये थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो बड़े दो लैंडमासेस को सेपरेट करता है, तो इसको हमने नाम दिया है पार्क स्ट्रेट का। जहाँ पर हम बोलते हैं कि राम जी ने मतलब पत्थर वत्थर डाल के, पूरी कहानी, ठीक है। चलो अब आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो बेटा गल्फ क्या होता है ये समझते हैं। तो गाइस गल्फ होता है जैसे अगर आपका ये लैंड है, छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड्स। फॉर एग्जांपल वी कॉल इंडिया अ पेनिनसुला, वी कॉल इंडिया अ पेनिनसुला बिकॉज आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स। लैंडमास जो सी से तीन साइड्स पे सराउंडेड है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। इसका उल्टा, जब सी एक वाटर बॉडी लैंडमास से तीन साइड से सराउंडेड है उसको हम बोलते हैं गल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ। तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा लैंडमास दैट इज सराउंडेड सी, छोटा सा सी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, बस इतना याद रखो। अब हम आते हैं भाई मॉलडीव्स पे। तो मॉलडीव्स जो है इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ, मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डेस्टिनेशंस फॉर हनीमूनर्स। मैं तो नहीं गई, कभी जाएंगे कभी। चलो सो गाइस दैट इज इट। इतना नुन्ना, इतना छोटा, इतना प्यारा सा था ये चैप्टर। आई होप यू लाइक दैट एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे सिविक्स का। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे लग रहे हैं ये सेशंस। अगर आपको और चाहिए, किस टाइप के सेशंस चाहिए, वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। इस चैप्टर के लिए मेक श्योर दैट यू मेक सेपरेट नोट्स। एक पेज के नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, मोस्टली 1 मार्कर 2 मार्कर आता है इस चैप्टर से, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना। लेट्स स्टार्ट विद योर होमवर्क क्वेश्चंस। द सादर्न part of the Indian Ocean is India has a land boundary of about how many kilometers? Which of the following state does not share a border with Bhutan? Very interesting question. इस चैप्टर से आपके मैप्स भी हैं, मैप वाला हम लोग अगले सेशन में करेंगे जहाँ मैं आपको थोड़े ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आपको याद रखनी है कुछ मैप बेस्ड चीज़ें, इंडिया कैपिटल्स वगैरह. एंड वी विल ऑल्सो बी डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. सॉरी, नॉट सिविक्स बट एनसीईआरटी. एंड वी क्विज भी होगा, लाइव वी क्विज होगा इस चैप्टर का. तो इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेना, करके आना. अगले सेशन में, लाइव सेशन में हम लोग मिलेंगे. If you want the PDF of the session, I will soon be sharing it on the Telegram channels. You can also follow me on my Instagram ID surabhi.vedantu. सो दैट अगर आप मुझसे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहे, कुछ मुझे एडवाइस देना चाहे, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहे, मुझसे कुछ पूछना चाहे, यू कैन डू दैट. राइट, सो दैट इज इट. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एक दोस्त, एक सखी से जरूर शेयर करना गाइस, सो दैट वी कैन ऑल्सो ग्रो. एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कैसा रहा सेशन, समझ आया या नहीं. ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय.